सचल सरमस्त। दरासा की बस्ती एक आम जगह नहीं है, लेकिन ये वो जगह है जो पुरसोस सूफियाना कलाम का गहवारा है, जहाँ न सिर्फ फितरत की आवाज़ सुनने को मिलती है, जहाँ तंबूरे की तान पर सूफियाना राग छिड़ता है। जब शाम ढलती है तो मज़ार के अंदर तंबूरे की तारें हरकत में आती हैं और पूरा माहौल सूफियाना धुनों में रंग जाता है। सचल अपनी पहचान इस तरह करवाते हैं, दरासा मेरा मस्कन है और मेरा नाम सच्चू है। ये उस शायर की सूफियाना शायरी है जिसे सिंध का मंसूर कहा जाता है, जिसमें फितरत की खूबसूरती महफूज है। सचल अल्लाह की ज़ात को हर चीज़ में पाता है और डंके की चोट पर कहता है, हर तरफ अल्लाह की ज़ात का जलवा है, इधर भी वही है उधर भी वही है और मैं भी वही हूँ, सब कुछ हक है। मैं ना रोशनी हूँ ना आग हूँ, लेकिन मैं ही मालिक हूँ, मैं ही सहारा हूँ। ऐसे सूफी जो अल्लाह के सच्चे आशिक हैं, जो दिखावे से ज्यादा नियत पर जोर देते हैं, वो हमेशा जाहिर परस्तों के अताप का शिकार होते हैं। उसी अताप की वजह से कई शहीद हुए, कई फांसी पर लटकाए गए। लेकिन सच्चल उनसे आगे बढ़कर कहते हैं, जहें दिल पीता इश्क दा जाम, साई दिल मस्तो मस्त मुदाम, वो जात हर जगह हर वक्त मौजूद है। सच्चल का दौर वो है जब सिंधी शायरी तब्दीली चाहती थी और वाई की जगह काफी ने ली थी और कुछ गजलें भी कही गईं। साथ साथ जबान की तब्दीली भी हुई, लेकिन तख्लीकी शौर नापेद हो गया। शाह साहब के विसाल के बाद सिंध का सूफी रंग उजड़ रहा था। सच्चल ने उस रूह को फिर से जिंदा किया और बखूबी आगे बढ़ाया। सच्चल ने एक रूहानी और कौमी रहबर का किरदार अदा करते हुए समाज की मजहबी बुनियाद पर तफरीक की, मुखालफत की और जाहिर परस्ती से बढ़कर नियत पर जोर दिया। कुछ लोग मसनन पर बैठकर वाइस करते हैं, कुछ लोग किताबी इल्म का बयान करते हैं, कुछ लोग मुफ्ती बनकर फतवा देते हैं, कुछ लोग जाहिरी इबादात का ढोंग करते हैं, कुछ लोग वर्क पे वर्क पलटते हैं, कुछ लोग बेसरुपा बातों में उलझते रहते हैं, लेकिन कोई भी मोहब्बत का सबक नहीं सिखाता। वो ज़ात हर जगह हर वक्त मौजूद है। ये इनाम याफ्ता रूहों की वजदानी कैफियत में आला जात से रब्त है। सचल जो उस वक्त उसी ख्याल के अलम बरदार थे और वजदानी कैफियत में अक्सर कहते थे, मर्द सच कहते हैं किसी को पसंद हो ना हो। सच्चल न सिर्फ मजहबी इंतहा पसंदी के मुखालिफ थे, लेकिन वो दकियानूसी ख्यालात को भी रद्द करते थे, क्योंकि उनको पता था कि अल्लाह दिलों के राज जानता है। अल्लाह किसी मखसूस जगह में नहीं रहता, बल्कि उसका दिलों में बसेरा है।
अल्लाह का पसंदीदा मस्कन इंसान का दिल है, लिहाजा इबादत के लिए किसी मखसूस जगह का तायुन होना ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता अल्लाह को हासिल करने के लिए अल्लाह को अपनी रूह में जस्ट करना पड़ता है। अल्लाह सबका मालिक है। सच्चल ने फिरकावराना और मजहबी इख्तलाफात को अहमियत नहीं दी और ख़ुद को उससे दूर रखा और सबको एक खुदा से मोहब्बत करने का पैगाम दिया। सच्चल ने कहा, सच्चा इश्क जहन्नम की आग के खौफ और जन्नत की आसाइशों से बेनियाज होता है। उन्होंने सच्चे इश्क के राज को पा लिया था। सच्चल की शायरी में ऐसे सूफियाना रमूज हैं जो हिंदू मुस्लिम को एक साथ अपनी तरफ मुतवज्जा करती है और लोग न सिर्फ उसकी शायरी से लुत्फ़ंदोज होते हैं बल्कि रूहानी तौर पर भी मसरूर होते हैं। मुझे कोई कुछ भी कहे, मैं जो भी हूँ वही हूँ। कुछ लोग मुझे बद कहते हैं, कुछ मुझे रद करते हैं, कुछ मुझे मुलहद कहते हैं, लेकिन मैं जो भी हूँ वही हूँ। दुनिया की दीगर कौमों की बनिस्बत सन्न तसव्वुफ का असर कुछ ज्यादा ही लिया है। जहाँ कुछ बिद्दतें और दकियानूसी रवाजात पाए जाते हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे बुजुर्ग हजरात भी हैं जो अल्लाह के प्यार की ना बुझने वाली प्यास रखते हैं। ऐसे अल्लाह के सच्चे बंदे लोगों की रहनुमाई करते हैं और हर किस्म के इख्तलाफात से दूर रखते हैं। उनकी नज़र में सब इंसान बराबर हैं। ये लोग हर किस्म की तफरीक से बेनियाज रहते हैं। उन लोगों ने अपने कॉल ऑफ फेल से समाज में मजहबी हम आहंगी पैदा की और तफरुकात से पाक समाज तश्कील दिया।